सुप्त जो तरोताजा सवाल है कि भाई बाका की करोगे। अरे भाई राम राम भाई सारे ने। तो भाई आज मेरा 75 कह लो 150 कह लो जो भी कह लो उसका 150वां दिन है। आज मैं आ रहा हूँ ऋषिकेश, अरे जाऊँगा वर्कआउट करने अपने प्रिय सखाओ के साथ। मन ने खाना था मेहमान ने तरह कुरनारी लिखा दूंगा मैं देख लिखड़ गया ने दुखी हो रहा काम में का भाई जी। आज तुम्हारा डायलॉग बढ़िया है। आ जाओ बॉयज, वेरी गुड डायलॉग, जल्दी आ जाओ बॉयज। भाई भाई वेरी वेरी ठीक है चंगा गेट्स चल चल चलू पत्थर है पूरे तो तुम सीधा लौट जाना पानी पे थोड़ा तो ना हो थोड़ा कप कप मामला हो गया फिराऊंगा क्यों परे वो है तो पंगा पड़ जान का आसान है आसान है आना मुश्किल है आना भी आसान है यहां से वहां पहुंचेंगे कई बार गए हैं अपनी अपनी साथ ना इतना वहां फंसने की दिक्कत नहीं है जिस पे तैरना हो उसमें फंसने की बात नहीं है उन पे तो तैरना नहीं आता था जब भी उड़े पहुंच गए अरे पानी कम था ना सुबह बस अड़ती है ना ये पत्थर है हाँ उसके बाद तो डाइव है पानी का टाइम है चल हाँ रहन दे दा भाई भाई ना टैंक पर खुद ही मरना बार है शाबाश चल कैच कर चल 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 मैक्सिमम आर दे हो गया हो गया हो गया आन दे हो गया वेरी गुड मोर का भी 75 कंप्लीट हो गया। ये पियूंगा भाई अपना प्रोटीन। यो मसल ब्लेज का नया फ्लेवर लॉन्च होया अबिस कॉफी शायद मैं सी अबिस कॉफी। तो अगर आप चॉकलेट पीर तो चॉकलेट ज़्यादा बोर ही हो जाए बहुत टाइम ती पिए जावे तो अगर आपने थोड़ा सा ऐसा लग है कि आप बोर हो गए हो तो आप बिस कॉफी फ्लेवर यूज कर सको। थोड़ा सा डिफरेंट है अरे मेरे हिसाब से तो किसी ब्रांड में आया नहीं है यो तो आप यूज करना चाहो तो यो यूज कर सको दूसरे की जगह में परफॉर्मेंस भी में आया है यो और इसका टेस्ट है जो भाई जबरदस्त है। और ऑफिशियल मसल विलेज की ऑफिशियल वेबसाइट तो आप इन्हें खरीद सको हो कोड आपने बेरा है होगा अंकित बी एम बी एक्स्ट्रा डिस्काउंट थी और भाई मैंने सपोर्ट कर दी। मुकाबला होने टेस्ट का इसी के साथ भाई पानी वाला टास्क पूरा ले भाई आप अपने चैलेंज का लास्ट वर्कआउट आज मैंने कराया है भगवान ने साक्षी मान गए देख लो भाई ये गंगा मैया रही इनकी गोद में भी शंकर जी बैठे हैं और साइड में भी और उड़े वो 12 मंजिला मंदिर। तो एक बात और आए तो थे नुआ भाई दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है आड़ थोड़ी बढ़िया एयर क्वालिटी पाओगी पर भाई साहब इतने सिगरेट पीने वाले बढ़ रहे हैं हाड़े जिसकी कोई हद नहीं है गंगा किनारे बैठ बैठ के सिगरेट और थोड़ी तो शर्म रख लो मेरे भाई
वो आगे पीछे न जाकर पी लियो। इतनी सिगरेट, इतना नशा, कदे मारी मुलाकात हुई ना अड़े के उत्तराखंड के सीएम थे तो मैं चार्ज लूंगा अड़े का गंगा में शांति बनाने का, मोकरा लेगा मैं देखे आ रहा हूँ। भाई सिगरेट इतनी बक्के हैं और दूध पूछते हैं डल्ला कर रहे हैं हम, साढ़े तीन घंटे से दूध नहीं मिल रहा हमने, पर सिगरेट और फास्ट फूड इतना है अड़े। मैं खोल लूंगा एक डेयरी अड़े। वृंदावन में इन भाइयों का सियासी रोटी खाने के बाद ये टस्क टस्क चलने लग रहे हैं। अरे टम्पूटो होंगे ये ऊपर जा गए वृंदावन होटल में हम दोनों भाइयों ने। तो भाई चैलेंज तो हो गया है खत्म। ये एक सुप्त है जो तरोताजा सवाल है कि भाई ये बात का की करोगे। अरे भाई आग का क्या मतलब है, आग जो पहला कर रहे थे वो भी आग भी वो ही करेंगे, अपनी एक्सरसाइज करेंगे और एक भाई इंजरी क्योर करवाऊंगे थोड़ा सा, एक दो बढ़िया फिजियो तो मिल लेंगे, मुंबई मुंबई जाना है और अपनी इंजरी क्योर करवा के फिर अपना गेम करेंगे। तो वो चैलेंज था वो मेरे थ्रू नू मान लो ठीक है, भगवान ने मैं जरिया बनाया, बहुत सारे भाई आ गए भी काम आई वह चीज़ मन बड़ी अलग है भाई। और वह जितना उस चीज़ तुमने प्यार मिला उस चीज़ ने तुम्हें कदे भाई मतलब शब्दा मतवा बयां करिए ना जा सकती, क्योंकि भाई साहब नू मान लो आज तक अगर तीन महीने पहले आज मैं आज खड़ा हूँ वो मैं सोच भी ना सकूँ था, पर आप लोग का ही हो जाता वो आज चीज़ पॉसिबल हो पाई। तो बस यो है भाई, बात अपना मेहनत करेंगे वही अपनी नॉर्मल वीडियो डालेंगे का दी जो क्या यार उसने मतलब जो कर पहला डाल लिया था मैं एक्सरसाइज की अपनी कोई भी साउंड वगैरह लगा के। हाँ अगर आप लोग कहोगे मतलब मिनी व्लॉग आप डालो और भी तो मैं मिनी व्लॉग और डाल दिया करूँगा एक्सरसाइज रिलेटेड। मेरा तो यार कंटेंट तक ही है मेरा, तो मैं तो दोनों टाइम अपनी एक्सरसाइज करनी खाना पीना, अभी भी मैंने शुगर नहीं खा लिया है क्योंकि मेरी माँ ने मेरे तो चूरमा बना कर ही खवा लिया है। तो अभी भी मतलब मेरे ख़त्म हुए दिन भी आज दूसरा दिन है, परसों ख़त्म हुआ था। तो भाई अभी भी मैंने मीठा नहीं खा लिया है और सही बताऊँ जी भी नहीं कर रहा भाई मैं शुगर खा लूँ एक कदम मेरा जी करता हूँ इस बारे। ठीक है यार कोई इतनी खास जरूरत भी को नहीं आ रही, मैं आगे कंट्रोल कर रहा हूँ तो मैं आगे कंट्रोल करूँगा और भी। और भाई इस चैलेंज तो मैंने क्या क्या सीखने मिला, एक मतलब यह चीज़ सीखने मिली सर तो मेन जो थी कि भाई फिजिकल हेल्थ के अलावा आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। आप फिजिकली कितने ही फिट हो पर अगर आप मेंटली फिट ना हो ना तो भाई सब कुछ बेकार हो जाएगा यार। जब आदमी हमेशा टेंशन में रहेगा तो वो खुश क्यों कर रहा होगा। तो भाई अपना मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें यार, वो खाली शारीरिक मेहनत तो कुछ नहीं होगा। और भाई वह चीज़ है अगर आप मेहनत करोगे कंसिस्टेंट रहोगे तो भाई आपके सामने मैं उदाहरण हूँ कि भाई के तो के हो गया वो है टाइम लगा रहे एक चीज़ में, जल्दबाजी की कोशिश मत करो। बस भाई ब्लॉग वालों का यही हुआ था आज का, आगे थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया करेंगे थोड़ी बहुत ही भी जब बीच में टाइम ना लगा था चैलेंज के बीच में तो थोड़े बहुत ब्लॉग वालों को डाल लिया करते, एक आधे ब्लॉग भी डालते रहेंगे और भाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी। तो आप जिस टॉपिक पर भी नई वीडियो चाहो तो मैंने वो कमेंट करके जरूर बता दियो। मैं अपने जो देसी तरीके हुए हैं जो अपने जितने कम से कम खर्चे में जो चीज़ हो सके ना वह चीज़ आपने बताऊंगा। और भाई फिर दोबारा तय तारा दिल से धन्यवाद भाई इतना प्यार देने थी अर्थात तय तो फिर के बात कहूँगा बोले बाबा जी से किसी दम नहीं देसी किसी से कम नहीं, बोल शंकर भगवान की जय।